ये बताइए क्या सोचकर वोट डाल कर आई माता जी? क्या सोच कर? घर हमारा बना दिया, अच्छा शौचालय हमारे बना दिए, नाज हमें दे दिया, 500 रुपए पिल्सा डाला हमारे। अब सोचा आपने आज वोट देने से? भाई मार तो मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी, और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। मैंने जो वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, जो मोदी जी ने 370 हटाई है और जो दलित समाज को वहाँ पे आरक्षण मिला है, वहाँ पे पहले दलित समाज को कोई आरक्षण नहीं था, तो इस समय दलित समाज ने बसपा को छोड़कर केवल भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मुद्दा रहा है विकास का और कानून व्यवस्था का। मेरे समाज के सभी लोगों ने वोट डाला है और सभी का एक ही नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। और कवरेज करते करते हम पहुंच चुके हैं अब सहारनपुर के देवबंद में, और यहां पर हम जनता से बात करेंगे कि जहां एक तरफ वोटिंग जो है वो लगभग आधी से ज्यादा पूरी हो चुकी है, 2 से 3 बजे का समय हो रहा है, और इस बार देवबंद में जो वोटर है वो क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, और यहाँ भीड़ जो है वो वोटर्स की देख सकते हैं कि एक तरफ सभी लोग जो है वो अपनी पर्चियां ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग जो मौजूद हैं जो अपना मतदान डाल के आ चुके हैं या फिर मतदान डालने जा रहे हैं, उन सभी से बात करेंगे कि इस बार देवबंद की जनता के जो है वो क्या मुद्दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राकेश गांगुली। राकेश गांगुली जी, ये बताइए इस बार के क्या मुद्दे रहे हैं, अगर आपने वोट डाला है, एक बार स्याही दिखा दीजिए, क्या मुद्दा जो है वो रहा है इस बार, आपने क्या सोचकर मतदान किया है? मतदान ये सोच के किया है, विकास सबसे ज्यादा हुआ, शांतिपूर्वक लोग रह रहे, कई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, और योजनाएं जितनी मोदी जी ने भेजी उनका लाभ सबको मिल रहा, घर घर में तुम पक्के मकान बना दे गरीबों के लिए, और सुलभ शौचालय जो लेडीज को बड़ी परेशानी होती थी उनके लिए घर घर में सुलभ शौचालय बना दिए, और अन्न जन धन योजना के अंतर्गत जिसने कभी बैंक का मुंह भी नहीं देखा था उसके खाते खुलवा दिए, उनके पैसे डायरेक्ट खाते में आ रहे, बिचौलियों का काम खत्म हो गया जो आधे पैसे काट के खा लेते, बहुत योजनाएं हैं। तो और बार आपने विकास को लेकर वोट डाला है? विकास के लिए हमने वोट डाला है। तो विकास हुआ है? विकास बहुत हो रहा पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया भर की सड़कों का जाल बिछ गया, हाईवे इतने बन गए, दिल्ली जाने में भी अब हमारे देवबंद से 2 या 3 घंटे में, देवबंद से 2 घंटे में पहुँच जाते हैं, यहाँ से इतने हाईवे तैयार हो गए, हरिद्वार जाना हो तो भी हमें मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता है, यानी विकास बहुत हुआ है। अब कोई मरीज यहाँ से पेशेंट का अगर चंडीगढ़ जावे था तो सड़कों का ये हाल था कि जाते जाते रास्ते में ही मर जाता, और अब ये हाल है कि 2 घंटे में तो चंडीगढ़, और वहाँ PGI में जाते हुए इलाज उसका बढ़िया हो रहा है। क्या नाम है आपका? खेमकरण कश्यप। खेमकरण जी, ये बताइए क्या माहौल है इस बार देवबंद का, जनता क्या सोचकर मतदान करके, और आप अगर मतदान करके आए तो आपने क्या सोचा, किस बात को लेकर क्या मुद्दा रहा? विकास के नाम पे। तो विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ है। आयुष्मान कार्ड बनाया सरकार ने, गरीब आदमी को 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है, उज्ज्वला योजना है, सुकन्या धन योजना है, पूरे विश्व ने सराहा है, इसलिए विकास के नाम पे वोट दिया है। विकास के नाम पर, तो ये विकास हुआ है? हाँ ये विकास हुआ है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश वाल्मीकि। तो अविनाश जी, ये बताइए आप तो युवा हैं, क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर वोट कर आए? मैंने जो वोट किया है भारतीय जनता पार्टी को, जो मोदी जी ने 370 हटाई है और जो दलित समाज को वहाँ पे आरक्षण मिला है, वहाँ पे पहले दलित समाज को कोई आरक्षण नहीं था, तो इस समय दलित समाज ने बसपा को छोड़कर केवल भारतीय जनता पार्टी को चुना है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसा विकल्प है जो सबका साथ सबका विकास का सपना दिखाते हैं और भारत को एक प्रगति पे ले जाते हैं। तो आप युवा हैं, आपको ये मुद्दे जो है वो अहम लगे इसीलिए आपने वोट दिया? जी मुझे ये मुद्दे अहम लगे क्योंकि ये दम केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में था जो उन्होंने 370 हटाई। तो ये मुद्दा है आपका 370? जी ये मैं युवा हूँ तो मैं ये मुद्दा भी सोचता हूँ क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है, आज तक किसी पार्टी ने 370 को हटाने का कोई दम नहीं था। क्या नाम है आपका? कुलदीप सैनी। कुलदीप सैनी जी, आप बताइए क्या मुद्दा रहा है, वोट डाला है? जी वोट डाल दिया। कैमरा में एक बार निशान दिखा दीजिए स्याही का। ये बताइए क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर मतदान किया? मेन मुद्दा रहा है विकास का और कानून व्यवस्था का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बनवाया है और गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, मुफ्त आवास बने हैं, और सड़कें आप ये देख लीजिए, यहाँ पे पहले गड्ढे थे,
माननीय जब प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं तब से यहाँ से सड़कें कानून व्यवस्था सब दुरुस्त है, सब दुरुस्त है जी। तो इस बार इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो आप वोट कर कराएं। जी जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तनिष बिरला जी है और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्मान लग गया तो सुबह से मुझे शाम हो जाएगी। मैं सिर्फ एक ही नाम में चौक करता हूँ, मोदी योगी जय श्री राम। अच्छा ये बताओ क्या उम्र है? मेरी 18 साल। तो ये पहला वोट था जी? ये बताइए अगर पहला वोट डाला है? जी अभी नहीं डाल गया, डालने जाऊंगा। तो ये बताइए आप अगर अभी पहला वोट डालने जाएंगे तो क्यों मन में है कि आपको क्यों लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए वोट देना है? जी कार्य अच्छा लगा हमें, हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। हाँ। आने वाली सप्ताह में आज नहीं इससे 75 साल भी भारतीय जनता पार्टी ही। वोट आपने ये तमाम चीजें सोच कर दी? जी फर्स्ट वोटर हैं आप जी। चलिए क्या नाम है आप बताइए सर? क्या नाम? रंजीत वाल्मीकि है। रंजीत जी आप बताइए वोट डाला है आप? मैं बिल्कुल वोट डाला है और मैंने ही नहीं मेरे समाज के सभी लोगों ने वोट डाला है और सभी का एक ही नारा है, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। क्योंकि आज जो रामलला टेंट में थे आज वो भव्य मंदिर में विराजमान हैं, आज धी बेटी सभी की सुरक्षित है। सबसे ज़्यादा हमें खतरा था अपनी असमत का, अपनी शोहरत का, आज हम खुलेआम किसी भी समय सड़कों पर चल सकते हैं, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हम रेल स्वास्थ्य व्यवस्था, रेल व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं हमें आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की वजह से मिली हैं और यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली। इसीलिए हम लोगों ने एक ही नारा बोला है, अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसी उद्देश्य से, इसी ऊर्जा से सब लोग एकजुट होकर वोट डालें और हम भी इस देश की आहुति में अपना योगदान दे रहे हैं इसी इन्हीं शब्दों के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये बताइए इस बार जो बड़ा मुद्दा है वो राम मंदिर का रहा है? बिल्कुल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। जो रामलला 500 वर्षों से टेंट में थे आज वो भव्य मंदिर में हैं। अभी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा मनाई गई, हमारे देवबंद में भी इतनी भव्य शोभा यात्रा मनाई गई जिसमें लगभग 500 DJ थे। आज हमारे योगी जी, मोदी जी, बाबा साहब का जन्मदिवस मना रहे हैं, उनको हर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मान रहा है तो हमारे लिए गौरव की बात है। ये तो ये मुद्दे रहे आपके। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अशोक आनंद है मेरा। अशोक आनंद जी आप बताइए आप डाला है वोट? हाँ जी वोट डाला हूँ। क्या मुद्दा रहा, क्या सोचकर जो है वो आपने आज मतदान किया है कि इन चीजों को लेकर आपके माइंड में था कि आज अगर वोट डालूंगा तो विकास या बदलाव? मैंने ये सोचकर वोट डाला है कि आज का जो नागरिक है वो शांति के साथ जी रहा है। पहले लड़ाई झगड़े दंगे बहुत होते थे, जब से मोदी योगी की सरकार है तब से कोई झगड़ा दंगा नहीं हुआ और विकास चारों तरफ हो रहा है। चारों तरफ सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, फ्लाईओवर बहुत सारे बन गए हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं और बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है, जो गरीब लोगों ने जिंदगी में नहीं सोच सकते थे कि हम अपना पक्का मकान बनाएंगे उन गरीब लोगों के पक्के मकान बन चुके हैं। तो इसलिए इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। तो विकास को लेकर वोट? विकास को लेकर वोट डाला और शांति को, सुरक्षा को लेकर वोट डाला है। तो ये तमाम चीजों पर खरा उतरी है? बिल्कुल खरी उतरी है सरकार, ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? दीपक बिरला। दीपक जी आप बताइए वोट डाला है? वोट डाला है नरेंद्र मोदी जी को। ये बताइए क्या, हम नहीं पूछ रहे किसको डाला, हम ये पूछ रहे हैं मुद्दा क्या? मोदी जी को। हर चीज की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही है, महिला को लेकर, सड़क को लेकर और दंगे फसाद को लेकर सब चीजों में बहुत अच्छी व्यवस्था रही है नरेंद्र मोदी जी की और योगी जी की भी। तो ये मुद्दे रहे आप जी। चलिए इसी के साथ तमाम लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या ये लोग जो है वो वोट डालकर आए हैं। देखिए यहीं पर जो है वो एक तरफ लोग अपनी पर्चियां ले रहे हैं और इसी के साथ आगे की तरफ मतदान करने के लिए जा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र। नरेंद्र जी वोट डाल आए हैं, मैं स्याही देख पा रही हूँ। ये बताइए क्या मुद्दे रहे, क्या सोचकर मतदान? मैडम जो भी मुद्दे रहे अच्छे रहे मोदी जी की तरफ से और मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, जो काम किए मोदी जी ने बहुत अच्छे किए। तो मतलब यही मुद्दे रहे जी मैडम। क्या नाम है ताऊ जी? करम सिंह सैनी। डाल आए हैं वोट? वोट डाल दिया। क्या मुद्दा, क्या सोचकर मतदान किया है? सोच तो यही है कि अच्छा काम कर रहे हैं और भाई मकान भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, रोड राड भी सब निकाल दिए। हाँ ऐसे ही सोच कर। तो ये आपके अहम मुद्दे थे जिसको तरफ आप, विकास या बदलाव? नहीं विकास भी हो रहा, बदलाव कुछ नहीं, विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे। चलिए इन्होंने जो है विकास के मुद्दे पर वोट दिया है अब यहीं से। क्या नाम है माता जी? वोट डाला ही है आप जी? ये बताइए क्या सोचकर वोट डाल कर आई माता जी? क्या सोच कर? घर हमारा बना दिया। अच्छा। शौचालय हमारे बना दिए। नाज हमें दे दिया। 500 रुपए पिलसा डाला हमारे। और क्या? तो और क्या चाहिए? फूल को देखा है वोट? और क्या? तो ये सब सोचा आपने आज वोट देने से? भाई मार तो मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या, ऐसी सरकार तो आई नहीं जैसी सरकार है भाई। हमारा चेयरमैन भी हिंदू बन गया, वहाँ भी बड़ी बहुत बड़ी खुशी। बड़ा सारी उम्र से चेयरमैन हमारा हिंदू भाई बड़ा चेयरमैन भी, वहाँ भी खुशी। अब और बताओ क्या को बढ़ा चाहो? देवबंद के विकास को लेकर वोट डाला है आप?
दो देवन तो है ही, हमारी पैदास है, बहू है, दी है। क्या उम्र है आपकी? सब कुछ है जी। क्या उम्र है आपकी? उम्र हमारे को नहीं, मैं जानती मेरी उम्र है, मेरी माँ को पता होगा। 87 है। 70 साल की माता जी है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है और उन्होंने जो है वो आज वोट डाल दिया। मेरी पेंशन बढ़वा दो, 500 रुपए आ रहे, कम से कम 1,000-2,000 तो आने चाहिए। विधवा में तो बस चलो बड़ी खुशी की बात है। आप बताओ तो मैं तुम्हारे लिए मैं क्या सेवा का मौका दूँ? कुछ सेवा नहीं माता जी, आपने वोट डाल दिया, आपने ये बहुत अच्छी, नहीं आपने ये बहुत अच्छी बात की है, वोट डाले हैं आप। क्या नाम है आपका? मुकेश। वोट डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? मोदी की तरफ, मोदी की तरफ। नाम क्यों, क्या सोचकर वोट डाल रहे हैं? मोदी अच्छा इंसान है जी। चलिए अच्छा इंसान है। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का बूथ है, यहाँ हमें ज्यादातर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, और वहीं दूसरी तरफ है वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ है। वहीं देखिए दूसरी तरफ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, वहां तमाम जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है, और ये बूथ जो है वो कांग्रेस का है जहां हमें ज्यादातर लोग जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। और देखिए ये हम यहां खड़े हैं देवबंद में, और देवबंद में ऐसे हालात जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस का बूथ खाली पड़ा है। पर इसी के साथ हम लोगों से बात करेंगे कि जो मतदान कर आ रहे हैं वो क्या सोचकर इस बार मतदान करके आ रहे हैं। विनीत सैनी, विनीत सैनी जी, क्या मुद्दा रहा, क्या वोट डाला है? हाँ जी अभी डाल गए। तो ये बताइए क्या मुद्दा, क्या सोचकर मतदान? तो कुछ नहीं, बढ़िया विकास हो रहा देश में, बढ़िया विकास हो रहा देश में। हाँ। बहुत बढ़िया। तो विकास के लिए वोट किया? हाँ जी।